हेलो दोस्तों, मैं अमित दीक्षित मैथ्स फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पूछो तो मैं। तो दोस्तों, पहले कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूं, उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना का कहर पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, उसी का कुछ इम्पैक्ट भारत में भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, जिस तरीके से आपने जनता कर्फ्यू में अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया है, दिखाया है, उसी तरीके से दोस्तों आपको आगे भी करते रहना है। करना क्या है, जो बुलेट पॉइंट है इस पूरे कोरोना वायरस के लिए, जो जिसको हम जड़ से खत्म कर सकते हो, बुलेट पॉइंट है कि दोस्तों, सोशल गैदरिंग्स को अपने को अवॉइड करना है और कुछ नहीं करना है। दोस्तों क्या करना है, सोशल गैदरिंग ना इधर जाना है, ना किसी को आने देना है, कम से कम लोगों से मिलना है अपने को। और छोटी मोटी जो अपनी बातों छोटी छोटी जो अपनी प्रिकॉशंस जो अपने को लेनी है दोस्तों, पहला कि मास्क यूज करें, सैनिटाइजर यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हाथ और मुंह को अपने हाथ और कान को मुंह से ना लगाएं। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। बुलेट जो पॉइंट है दोस्तों अपना, दोबारा से मैं कह रहा हूँ, वो है दोस्तों कि आपको ध्यान रखना है कि सोशल गैदरिंग जितनी से जितनी हो सके अवॉइड करें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो जैसे कि दोस्तों लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आज भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन। तो आज के लेक्चर में दोस्तों अपना स्पेशल क्या है, आईआईटी जेईई के रिसेंटली क्वेश्चंस करेंगे, स्ट्रेट लाइन के करेंगे, कुछ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के भी करेंगे इसके अंदर हम लोग। चलिए देखते हैं आज का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन दोस्तों आप लोग देख सकते हो। पहले तो दोस्तों पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, डिफिकल्ट सा लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अगर थोड़ा सा माइंड में ऐसा आ रहा है, अरे डिफिकल्ट है, तो लाइन याद रखी होगी सब लोगों ने, क्या डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली सॉल्व कर रहा है। ठीक है, सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो देखो क्वेश्चन है क्या कि भाई इक्वेशन दे रखी है, रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन इन, कह रहा कोई इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू दिस दिस, और आपको बोला किस क्वाड्रेंट के अंदर ये होगी, सेकंड थर्ड में, फर्स्ट सेकंड एंड, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो भाई क्वाड्रेंट कैसे पता चले, तो क्वाड्रेंट तो भाई हम y की वैल्यू से बता सकते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर y पॉजिटिव है तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, y नेगेटिव है तो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। बात समझ में आ रही है, तो अपने को करना क्या है, बस y की इक्वेशन को किसी तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलो देखो। तो देखो मैंने क्या किया दोस्तों, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया और 1/2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। अब कोई सोच रहा होगा सर ऐसा क्यों किया और कुछ, दोस्तों माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई साइन के दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, साइन के दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है? हाँ है, कौन सा, 2sin A sin B। क्या फॉर्मूला होता है, cos A - B। 2sin A sin B का फॉर्मूला याद आ रहा होगा, 2sin A sin B का फॉर्मूला है cos A - B - cos A + B। ठीक है एकदम, इसलिए फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 1/2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, चलो देखो फिर दोबारा मैं लिख दे रहा हूं एक बार ये फॉर्मूला। चलो ये इसमें लगा रहा हूं, अब 2sin² x + 1। तो देखो अगर a - b इसमें चेंज कर रहे हैं कॉस में, तो इसको भी सोचे भाई कॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद आ रहा होगा आप लोगों को कि भाई कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें स्क्वायर वाला, वो क्या होता है, 1 - 2sin² θ। तो ये दोनों फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, तो देखो जरा जैसे ही मैंने ये पुट करा तो 1/2 मेरा बाहर है, 2 ये मेरा दोस्तों a हो गया, ये मेरा b हो गया। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लगा दे, cos A - B, तो cos x माइनस का दिस, तो माइनस x माइनस 2 आ जाएगा, तो x x कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस का 2 बचा, लिख दो डायरेक्ट, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, आगे माइनस cos A + B, तो a प्लस ये पूरा b, तो x प्लस x 2x प्लस का 2, तो दोस्तों क्या आ जाएगा अपना, यहां से आ गया अपना 2x प्लस का 2, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अपने को। ठीक है, आगे तो cos
उसके बाद माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, तो दोस्तों देखो कॉस टू थीटा की वैल्यू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा की यहां से वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, कॉस टू थीटा माइनस वन आ जाएगा इधर, क्या लिख दूं, तो यहां से दोस्तों मेरा आगे पूरे की वैल्यू क्या होगी, कॉस टू थीटा, तो थीटा मेरा क्या, ये मेरा थीटा है इस, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख दूं ये टू एक्स प्लस का टू हो गया माइनस का वन, तो यहां से हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब देखो कुछ कट पिट रहा है भाई, किसी तरह की इक्वेशन के अंदर कुछ काटन पिट्टी चल रही हो, तो देखा हमने भाई चल तो रही है कुछ ना कुछ, तो क्या हुआ कि भाई ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या अपने पास दोस्तों, देख लेते हैं क्या बचा, तो अपने पास देखो यहां से बचा वाई इक्वल टू वन बाय टू कॉस माइनस टू, तो भैया कॉस माइनस टू क्या होता है, माइनस कॉस टू हो जाएगा है ना, नहीं कॉस माइनस थीटा क्या, कॉस थीटा, तो मैंने जानबूझ के बोला था ताकि तुम में से बोले हाँ, हर बात पे विश्वास नहीं करना है, कुछ चीजें मैं जानबूझ के गलत बोलूंगा ताकि आप लोग हाँ करें, ठीक है, कंफ्यूज हो फिर आपको थोड़ा सा मैं कंफ्यूज करके क्लियर करूंगा, ये बात का ध्यान रखो, हर बात पे हाँ नहीं करना, अपना जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े उन पे स्टिक रहना है। चलो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस माइनस टू को क्या लिख दिया, कॉस टू, यहां से आ गया अपना ये माइनस वन, अब यह कॉस टू माइनस वन, अब सोचे भाई इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव कैसे देखे, कॉस टू की चलो हमें वैल्यू सोचनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है वन, मिनिमम वैल्यू माइनस वन, बट अब कैसे निकाले, अब ये सब करने से अच्छा ऐसा करते हैं कुछ यार इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का खेल हो सकता है, तो ये देखा दोबारा कुछ ऐसा फॉर्मूला बन सकता है, अगर मैं इसको कॉस टू थीटा की वैल्यू अगर मैं वन बोल रहा हूं तो कॉस टू थीटा माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टू साइन स्क्वायर वन किसके बराबर आ जाएगा, वन के बराबर आ जाएगा, तो यहां से अपना आ गया वन बाय टू माइनस टू साइन स्क्वायर वन, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो दोस्तों टू से टू कैंसिल आउट, तो क्या बचा माइनस का साइन स्क्वायर वन, तो भैया y इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर, तो भैया ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या है, नेगेटिव, तो y ऑलवेज क्या मिल रहा है अपने को, नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, तो y किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ऑलवेज, देखा ऑप्शन कौन कौन से क्वाड्रेंट में भैया, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर y क्या होगा ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है, देख लो एक बार कोई तकलीफ किसी तरह की तो कुछ नहीं किया, सिंपल पहले 1 बाई टू से मल्टीप्लाई किया, फिर भाई 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया, उधर हमने भाई माइनस टू साइन स्क्वायर की वैल्यू रखी कॉस टू थीटा माइनस वन, सिंप्लीफाई किया, बस एक बार यहां पे आ गया वही कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला एक बार और लगा दिया, इतना सा हम लोगों ने इसमें किया है, कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू, दोस्तों चलो तो क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं दोस्तों, तो वो दोस्तों अपना ए रे ऑफ लाइट अलोंग एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू रूट थ्री गेट्स रिफ्लेक्टेड अपॉन इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड, पढ़ लो एक बार, हो गया पढ़ लिया सब लोगों ने, पक्का क्वेश्चन समझ में आया, कैसा है, इजी है मुश्किल है, इजी है तो क्या करेंगे इजीली सॉल्व करते हैं, मुझे तो इजी लग रहा है आई थिंक, ठीक है चलो कंसेप्ट सबके समझ में आ गया, क्या करने वाले इसके अंदर, क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि भाई एक रे है अलोंग दिस कोई लाइन है, मतलब रे है एक्स प्लस रूट थ्री वाई की गेट रिफ्लेक्टेड अपॉन द एक्स एक्सिस, मान लो ये एक्स एक्सिस है, एक रे आई भाई इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके चली गई, उस रे की, इस रे की जो इक्वेशन दे रखी है अपने को वो क्या दे रखी है दोस्तों, इस रे की जो इक्वेशन दे रखी है अपने को x प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू रूट थ्री, कोई तकलीफ नहीं आ तक, आगे क्या बोला उसने कि भाई आपको बतानी है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इसकी क्या इक्वेशन होगी, तो अब इसकी इक्वेशन के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए भाई, किसी तरीके से पॉइंट पॉइंट पता चल जाए, ठीक है अच्छा पहले सोचने की
इक्वेशन निकले हमें क्या क्या चाहिए होता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो नॉर्मल हम देखें भाई तुम्हारे पास कौन कौन सी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है, तो भाई वन पॉइंट फॉर्म हो गई कि एक पॉइंट और स्लोप पता चल जाए, टू पॉइंट फॉर्म हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, परपेंडिकुलर फॉर्म हो गई, ठीक है ये सब फॉर्म यूज करते हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या भाई बहुत ईजिली कि भैया ये पॉइंट तो हम निकाल सकते हैं क्यों एक्स एक्सिस से बोला है, तो भाई वन पॉइंट तो समझ में आ रहा है, एक पॉइंट और पता चल जाए तो टू पॉइंट फॉर्म हो जाएगी स्लोप का, तो भाई से अच्छा तो क्या हमें टू पॉइंट इजी लगा सकते हैं इसमें कैसे वो देखो जरा। तो देखो पहले तो हमने एक पॉइंट निकाले कैसे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे अगर ये लाई कर रही है तो वाई क्या होगा यहाँ पे जीरो होगा, तो इसमें मैंने वाई जीरो पुट करा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई रूट थ्री कोमा जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो रिफ्लेक्टेड का यूज क्या है यहाँ पे हमें पता है भाई रिफ्लेक्शन की अगर कोई भी पॉइंट है वो अगर ये इस तरीके से अगर मिरर काम करे तो भाई ये पॉइंट अगर यहाँ पे तो उतने ही नीचे इक्वल दूरी पे होगा। अगर मान लो इसके वर्टिस ठीक है आपके मान लो ए कोमा बी है तो नीचे क्या होगा भाई एक्स तो आपका सेम रहेगा, वाई क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, ए कोमा माइनस बी हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पता है अगर मैं इस रे को पूरा कर दूं और एक पॉइंट इस रे लाइन के ऊपर ले लेता हूं कोई निकाल लेता हूँ, एज्यूम कर लूंगा अभी मैं जो सेटिस्फाई कर रहा हूँ इस गिवन कंडीशन को, फिर हमें पता है इस पॉइंट को अगर मैंने निकाल लिया तो इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट मैं निकाल लूंगा और फिर टू पॉइंट फॉर्म यूज कर लूंगा और क्वेश्चन अपना सॉल्व खत्म। ठीक है तो अपने को क्या करना है पहले कोई पॉइंट ले रहे हैं भाई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो लेट सपोज क्या ले रहे हैं, तो लेट सपोज अगर ये मान लेते हैं हम एक्स वाई की वैल्यू को चलो कोई दिक्कत नहीं एक्स की वैल्यू ऐसा करते हैं जीरो ले रहे हैं, तो वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ से वन आ गई, मैंने कोई पॉइंट ले लिया है ठीक है इसके ऊपर जमा लो ये लाइन जो है वाई एक्सिस कहीं पर कट कर रही हो, वाई एक्सिस कहीं पर कट कर रही हो तो वहां पे एक्स क्या होगा जीरो, तो जब मैंने एक्स जीरो रखा तो रूट थ्री वाई इक्वल रूट थ्री, तो वाई क्या आ गया वन आ गया, कोई तकलीफ नहीं। अगर इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट सोचूं तो यहां क्या होगा भाई जीरो कोमा माइनस वन होगा क्यों भाई एक्स कुछ चेंज नहीं हुआ वो तो उतना ही रहेगा, वाई शिफ्ट हो रहा है, बात समझ में आ रही है इसमें कोई तकलीफ नहीं ठीक है कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए अपने को। ओके तो अब देखो देखो ये पॉइंट पता चल गया है, एक ये पॉइंट पता चल गया, टू पॉइंट फॉर्म लगा दूं और मेरी क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे की फाइंड आउट कर लेंगे हम इक्वेशन। चलो एक बार कर भी लेते हैं भैया क्या करें, तो अच्छा टू पॉइंट फॉर्म कुछ दोस्तों को ना याद आ रही हो तो लिख दे रहा हूं उनके लिए वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन लेट सपोज इसको y2 y1 इसको मैंने x2 y2 ले लिया इसको मैंने x1 y1 लेट कर लिया पुट कर दे रहे हैं बस करना क्या आपको y माइनस y1 माइनस वन तो ये प्लस वन हो जाएगा y2 जीरो माइनस y1 y1 की वैल्यू माइनस वन x2 माइनस x1 x2 रूट थ्री माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन अपना जीरो, तो यहां से अपना दोस्तों आ गया रूट थ्री वाई प्लस का वन इक्वल टू एक्स, तो रूट थ्री वाई एक्स इक्वल टू अच्छा वन से मिले तो यहां पे भी रूट थ्री आएगा, तो अपना ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है लिख लिया थोड़ा इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में वो आ गया रूट थ्री वाई एक्स माइनस का रूट थ्री, इस फॉर्म में लिखा था तो इसमें लिख लिया कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर पी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ठीक है। देख लो एक बार कुछ नहीं कंसेप्ट क्या है दोबारा एक बार मैं याद दिला दे रहा हूँ कंसेप्ट अपना दोस्तों ने कहा कि एक लाइन है एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट कर रही है, तो हमने क्या किया हमने एक पॉइंट ले लिया लाइन के ऊपर जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है, पॉइंट ले लिया जीरो कोमा वन मान लिया, आप और कुछ भी ले सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने इजी वाला लिया है कि कैलकुलेशन अपने को इजी पड़ेगी ठीक है। अब हमें पता अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो भाई ये जो पॉइंट होगा नीचे क्या होगा y नेगेटिव जाए x तो सेम ही रहेगा अपना जीरो ही रहेगा कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, तो क्या करा ये पॉइंट भी निकाल लिया। अब भाई ये पॉइंट बदल गया, अब ये पॉइंट अब ये लाइन कहाँ कट कर रही थी x एक्सिस को भी कट कर रही थी, तो भाई x एक्सिस कट कर रही है तो y क्या होगा वहां पे जीरो होगा, तो ये पॉइंट निकाल लिया, तो अब दो पॉइंट तो चल गए, तो टू पॉइंट फॉर्म हमने स्ट्रेट लाइन की यूज करी और काम खत्म किया ठीक है कोई तकलीफ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लो पॉज करके अगर क्वेश्चन को पढ़ लो जब तक मैं ये चैट में क्या क्या लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो दीपक,
हेलो स्नेहा, क्या लिखा? 1 2 3 राधे, कौन सी आईडी है? ठीक है, अच्छे लग रहे हो सर, थैंक यू। किंग स्टार सेक्सी लग रहे हो। अच्छा देखो, मैं एक ये बात बता ही दूं दोस्तों, ये जो दोस्त है ना मेरा, ये किंग दोस्त, मैं कहूँगा तू मैं थोड़ा टेस्ट चेंज कर, ठीक है? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में तेरा बोला नहीं था, तूने उसमें भी कुछ ऐसे ही लिखा था, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है? तो कहूँगा तेरे को थोड़ा सा ना तू अपना टेस्ट चेंज कर, ठीक है? चलो ओके, चलो ओके। पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, तो क्वेश्चन पढ़ लिया है तो सॉल्व करो, कंसेप्ट लगाओ फटाफट, जल्दी ऑप्शन लिखो चैट में, जल्दी टाइम दे रहा हूं पूरा। कितना टाइम चाहिए? मैं तुम्हें दे रहा हूं 1 मिनट, जाओ जल्दी 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 ऑप्शन लिखो, कौन सा ऑप्शन है? नेक्स्ट टॉपिक सर्कल है, सर्कल अपना दोस्तों। कल की क्लास में अपन सर्कल पढ़ेंगे। ओके हो गया होगा आई थिंक, जल्दी सी ऑप्शन, पता नहीं देखना पड़ेगा किसी ने और कुछ लिखा है। चलो ठीक है, हम लोग भी करते हैं भाई स्टार्ट। पहली बात तो क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा, ये 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 का मतलब रिसेंट जो अपना आईटीजेई का पेपर है उसी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोस्तों पढ़ लेते हैं एक बार। लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्वेश्चन दोस्तों है मजेदार, तो मजा आएगा करने में भी और आपको भी देखने में। चलो फिर, करेक्ट पॉइंट है भाई, क्यू आर ये पॉइंट दे रखे हैं, सेंट्रॉइड निकालना है। तो भैया सेंट्रॉइड जैसी वर्ड आया है तो माइंड में सबका आ जाना चाहिए, जो हमने पढ़ा था सेंट्रोइड क्या होता है भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी मीडियंस, वो फॉर्मूला भी याद आ रहा होगा सेंट्रोइड का। हाँ सही सही सही, बस ज्यादा नहीं चिल्लाना। x1 + x2 / x2 + x3 / 3, ऐसे ही y का y1 + y2 + y3 / 3, ठीक है? तो देख लो, आ जा फिर, टाइम खराब नहीं करते। चलो भाई, बोल रहा है क्यू और आर। चलो लेट्स सपोज हमने इसको क्यू बोल दिया, 1 4 आर 3 -2 लेट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अभी कोई पॉइंट है भाई पी जो किसी लाइन से पास हो, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, अपने को पता नहीं भाई पी। लाइन की इक्वेशन की माने, लाइन की इक्वेशन क्या दोस्तों, 2x - 3y + 4 = 0। तो भैया सेंट्रोइड निकालना है, नहीं सॉरी सेंट्रोइड नहीं निकालना, अपने को लोकस निकालना है। तो भैया लोकस निकालना है, सेंट्रोइड ऑफ फॉर्मूला तो यूज में आएगा आएगा, बट पी भी हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा, पी क्या करें। तो देखो लोकस निकालने के दोस्तों हमें पता ही होंगे मेथड, कि दोस्तों लोकस हमें निकालने के बेसिक तरीका क्या होता है दोस्तों, कि जो गिवन कंडीशन है उसको मैक्सिमम यूज करते हैं क्वेश्चन के अंदर, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है डाटा उसी चीज को हमें मैक्सिमम यूज करना होता है, बुलेट पॉइंट। ये दूसरा बुलेट पॉइंट जो है दोस्तों, कि जो भी हम वेरिएबल लेट करेंगे उनको हमें एलिमिनेट करना होता है, और फाइनली जो भी हम जिसके हमें लोकस निकालना है उसको कुछ लेट करेंगे एंड में उसके जो क्या पुट कर देते हैं, एक्स और वाई रिप्लेस कर देंगे। बुलेट पॉइंट था कि मैक्सिमम जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करना है। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या था, कि जो वेरिएबल होंगे उनको एलिमिनेट करना है, जो भी हम लेट करेंगे उनको एलिमिनेट भी करना है 1 by 1, ठीक है? तो लेट सपोज चलो मैं वेरिएबल लेट कर ले रहा हूँ इसमें दोस्तों, x1 y1, और लेट सपोज मेरा जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया अल्फा एंड बीटा। तो मैं कर क्या सकता हूँ, पहला काम तो दोस्तों कि देखो अगर मेरा सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड का मेरा फॉर्मूला जो आ जाएगा अल्फा का, क्या आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का, कि भाई x1 + 1 + 3 / 3। तो दोस्तों यहां से मुझे मिला x1 + 4 / 3, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे ही दोस्तों मुझे यहां से बीटा जो मिलेगा वो मिलेगा y1 + 4 - 2, डायरेक्ट लिख दो 2 / 3, कोई तकलीफ नहीं, ये आ गया। और क्या कर सकते हैं, और दोस्तों अपन कर सकते हैं जो
है कि ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो भाई अब देखो दो ये दोनों वेरिएबल हमें एलिमिनेट भी करने हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो ये पॉइंट दे रखा है तो इस पॉइंट को इसमें पुट भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो सोचने वाली क्या बात है। 2x1 कोई दिक्कत नहीं, एक और इक्वेशन आ गई अपने पास। अब अपने को सोचना दोस्तों कि पहला काम अपना क्या होना चाहिए, गिवन कंडीशन तो हमने यूज कर ली, सेंट्रोइड वाली वजह उसने दे रखा है, ठीक है, पॉइंट को भी उसमें भी यूज कर लिया। अब हमें करना है क्या, जो हमने वेरिएबल लिए हैं उनको 1/1 क्या करना है, हटा देना है। तो अब सोचो कैसे करेंगे, चलो तो ऐसा कर लेते हैं। पहली बात तो भाई हमने यहां से मल्टीप्लाई कर लिया, तो भाई यहां से अपना एक तो ये आ जाएगा 3α = x1+4। एक तो अपने को लेट सपोज इक्वेशन ये मिल गई, कोई तकलीफ नहीं, ऊपर से चलो एक इक्वेशन ये भी मिल रही है भाई कि 3, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये 2 है, और इक्वेशन 3 क्या अपने पास 3β = y1+2। तो ऐसा कर ले रहे हैं, क्या करा हम लोगों ने भाई, x1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूँ और y1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दूँ, अल्फा x1 y1 जो हमारे वेरिएबल थे एलिमिनेट हो गए, अल्फा बीटा बचे वो तो हमें लोकस निकालना था, क्या कर देंगे अल्फा बीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे x और y, काम खत्म। चलो x1 की जगह पुट कर रहा हूं मैं, यहां से क्या जाएगा 3α - 4 - 3 y1, y1 की वैल्यू 3β - 2 और +4 = 0। इसको सॉल्व करेंगे अपने को इक्वेशन आ जाएगी, जो भी अच्छा सॉरी उसने इक्वेशन नहीं जो भी लोकस है उसका स्लोप पूछा है, तो कोई बात नहीं इक्वेशन आ गई तो स्लोप तो आई निकाल ही लेंगे भाई। तो लेट्स सपोज सॉल्व कर लिया 6α - 8 - 9β + 6 + 4 = 0। तो यहाँ से मिला 6α - 9β - 10 और ये अपने को मिल जाएगा +2 = 0। तो ये अपने पास इक्वेशन ऑफ द लोकस, ये लोकस की इक्वेशन आ गई अपने पास, ये लोकस आ गया। अगर लोकस पूछता तो भैया ये आंसर होता अपना कि अल्फा बीटा देख और क्या रिप्लेस कर देना भाई, एक्स और वाई रिप्लेस कर देंगे। अब इसका स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है लाइन का, -a/b, a की वैल्यू कितनी है 6, तो -6/(-a/b) की वैल्यू कितनी है -9, कट के भैया क्या आ गया 2/3। तो भैया ऑप्शन को घूरा, कोई है क्या, है भैया ऑप्शन नंबर ए, खत्म इसकी भी कहानी, ठीक है, आई होप कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट दोस्तों कुछ नहीं है, सेंट्रोइड दे रखा था, ठीक है, मतलब उसका लोकस बोल रहा है तो सेंट्रोइड वाले फॉर्मूले को यूज करा, गिवन कंडीशन क्या दे रखी थी, पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो उसको यूज करा, दो वेरिएबल ऐड किए थे उनको एलिमिनेट किया, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओहो, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, क्वेश्चन देखो 3 सेकंड में खत्म हो जाना चाहिए, अगर जिसको मेरी वो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली क्लास याद है तो ये क्या है क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर बोल रहा है भाई, दिस जिसको याद होगा वो बुलेट पॉइंट खत्म है, सो क्वेश्चन उसको भैया पेन और ये उठा के रख देना है, बस ऐसे बैठ के ऑप्शन बोल देना है, जल्दी जल्दी दे रहा हूं तुम्हें, चलो टाइम दिया पूरा 10 सेकंड, चलो लिखो जल्दी फटाफट चैट में लिखो, बी लिखा है स्नेहा ने, ओके ओके, किंग ने लिखा है ए, तू नाम का ही किंग है, काम से तुम्हें गड़बड़ लग रहा है तू, ठीक है, और बताया टेस्ट चेंज कर तू अपना, हो गया, चलो देखो क्या बोलता है भाई, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, पहले तो ऑर्थो सेंटर जो मेरे नए दोस्त उनके लिए बोल दूं, क्या होता है अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो अपने को वही निकालना है, तो भैया फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था ऑर्थो सेंटर निकालने का, वो फॉर्मूला काम का है, बताया था अगर सब सजा सजाया गिवन हो, फॉर्मूला क्या था पहले तो x1 tan a + x2 tan b + x3 tan c / tan a + tan b + tan c, सेम y के अंदर भी यही था y1 tan a summation of y tan a / summation of angles, बट यहाँ पे एंगल की बात नहीं है तो फॉर्मूला यूज नहीं करना है। फिर और कोई मेथड, दूसरा मेथड बताया था परपेंडिकुलर वाला,
कि पॉइंट से अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, तो भाई उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट, फिर एक और स्लोप का प्रोडक्ट, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, कहानी खत्म। तो भैया यहाँ पे तो इक्वेशन गिवन है, तो भैया देख लेते हैं वो मेथड लगा सकते हैं यहाँ पे, तो देखो लगाते हैं। आओ पहले तो डायग्राम बना ले एक बार। कह रहा भाई एक लाइन है एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, तो देखो इसका मतलब क्या, एक्स वाई इक्वल टू जीरो, इन तीनों से ट्रायंगल बन रहा है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल रहा है ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स वाई इक्वल टू जीरो का मतलब ये दो लाइन हो गई और एक लाइन ये हो गई, ये ट्रायंगल बन गया अपना। मान लो ये बी ये सी, तो पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो मेथड भी भूल जाओ, कुछ करने जरूरत, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बुलेट पॉइंट क्या था कि जहां पर 90 डिग्री बनता है वही ऑर्थो सेंटर होता है। बुलेट पॉइंट याद करो हाँ वही, कि जहां 90 डिग्री बनेंगे ऑर्थो सेंटर वहीं पर लाइक कर, तो 90 डिग्री कहां बन रहा है, ओरिजिन पे, तो आंसर क्या है, खत्म कहानी। अब बताओ 3 सेकंड का था नहीं था, देखते ही सॉल्व कर देना था इसको, ठीक है। बुलेट पॉइंट जो बताए थे बस वो याद रखना है भैया, कुछ नहीं करना, अलग से ग्रंथ नहीं पढ़ने, जितना बताया जा रहा है फीड कर लेना है मेमोरी अपनी दिमाग में अच्छे तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन, लेट पी क्यू आर दे रखा है, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, पढ़ो फटाफट। पढ़ लिया सब लोगों ने, घूर लिया क्वेश्चन को, अगर पढ़ लिया और घूर लिया है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही, क्या क्या रहा है भाई, कह रहा है पी क्यू आर 3 पॉइंट दे रखे हैं, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी क्यू आर इज ओके, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर पूछ रहा है भाई और पॉइंट दे रखे अपने को ये। तो लेट सपोज, तो भाई एक पॉइंट माइनस वन कोमा जीरो ये लेट हो गया, एक भाई ओरिजिन हो गया, ये हो गया अपना P, दिस Q और R, 3.3 मान लो यहां कहीं ले लेते हैं R, मतलब इस तरीके का कुछ ये बन रहा है। अब कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंगल की, अच्छा मान लो अगर मैं बाइसेक्टर क्या होगा भाई, जो इन दोनों को बराबर भाग में, ये एंगल और ये एंगल बराबर में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अपने को क्या भाई, अपने को इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो अगर मुझे, अच्छा अब सोच रहे भाई कौन सी इक्वेशन लगाएं सर, ये तो बताओ ये कैसे पता चलेगा, तो देखो क्या है, ये ओरिजिन है, एक पॉइंट पर लग गया, और भाई बाइसेक्टर तो बराबर एंगल भी उन दोनों से दिख रहा है, इस लाइन से और इस लाइन से, तो भाई एक अगर स्लोप पता चल जाए और पॉइंट तो पता चल ही गया है, करना क्या है, सीधा माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, क्या है 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्या याद आ रहा होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस का x1, m क्या है स्लोप है, स्लोप के लिए क्या भाई थीटा निकालना है, बाकी कहानी खत्म। चलो तो ओरिजिन अपने गिवन है, अब देखो एंगल कैसे निकालें, क्वेश्चन ये उठता है। तो देखो हम पहले देख लें क्यू आर का क्या एंगल बना रही है, एक बार देखना, तो क्यू आर जो हमारी सेगमेंट है, क्यू आर जो लाइन है, तो एक बार देख लेते हैं भाई क्यू स्लोप ऑफ क्यू आर लाइन का देख लेते हैं। तो भाई 2 पॉइंट फॉर्म लगा दूं, वाई टू माइनस वाई वन, तो रूट थ्री दे रखा है, नहीं ना सॉरी 3 रूट दे रखा है दोस्तों, 3 रूट 3 दे रखा है पॉइंट अपने को, 3 रूट 3 माइनस का 0 और एक्स 3 माइनस का 0, तो यहां से आ गया अपना दोस्तों √3, तो मतलब टेन थीटा इक्वल टू √3। तो तुमने चिल्ला के बोला हुआ सर थीटा 60 डिग्री, अरे इसमें क्या चिल्लाना, ये तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो थीटा 60 डिग्री आ गया, मतलब ये लाइन 60 डिग्री बना रही, तो ये एंगल कितना बचा भाई 120, तो ये बाइसेक्टर है, तो 120 के अंदर बाइसेक्टर कितने पे होगा, 60 इधर 60 इधर, बात समझ में आ रही है। तो भैया ये भी 60 होगा इधर से नेगेटिव एक्स एक्सिस से, तो इस लाइन का ये एंगल पूरा अपने पास कितना हो गया, ये हो गया 120 डिग्री। तो भैया पॉइंट पता चल गया, एंगल पता लग गया, फॉर्मूला लगा दे, y माइनस y1 अपना 0, स्लोप कितना है अपना 10
tan 120 डिग्री, x माइनस का x1 जीरो, कोई तकलीफ नहीं। 120 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, tan 90 प्लस 30 कर लो फटाफट। 90 पे किसमें चेंज होगा भाई, cot 30 डिग्री इंटू x, तो tan 60 की वैल्यू कितनी थी, रूट थ्री, तो cot में क्या होगा भाई, उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पे भाई, 1 बाय रूट थ्री इंटू x। तो यहां से क्वेश्चन क्या गई भैया, रूट थ्री वाई इक्वल टू एक्स, कौन सी इक्वेशन है, रूट थ्री वाई इंटू एक्स, ओ सॉरी एक चीज और, सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे लगाने क्या था, नेगेटिव साइन है, बिकॉज टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन गड़बड़ हो रही थी तो अपना ठीक हो गया, तो रूट थ्री वाई प्लस एक्स, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ये भी निपट गया, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो फटाफट एक बार क्वेश्चन को रीड करो, ठीक है चलो फटाफट एक लास्ट क्वेश्चन अपना ये देख रहे हैं हम लोग, चलो ये चैट में क्या लिख रहा है किंग, सर मैं मजाक कर रहा था, अरे तो मेरे दोस्त तू अगर ऐसे ऐसे वर्ड लिखेगा कि सर सेक्सी लग रहे हो, ये लग रहे हो, वो लग रहे हो, तो भैया सामने वाला तो गलत सोचेगा ना, ठीक है चल कोई ना, मैं मजाक कर रहा था, बट फिर भी टेस्ट चेंज कर तू अपना, गड़बड़ लग रही है, ठीक है कोई ना, हो गया सबने पढ़ लिया, क्या कह रहा है, तो भैया थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन याद है अपने को, इजी है तो इजीली सॉल्व करते हैं, डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली सॉल्व करना है अपने को, तो देख लेते हैं भैया इजी, तो मैं तो कहूँ ये देखने में बड़ा लग रहा है, अंदर से ये इतना सा क्वेश्चन है, ये मतलब खत्म क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, सपोज थ्री पॉइंट बोल रहा है, तीन पॉइंट बोल दिए, पॉइंट क्या भाई, 1, 2, -4, लेट सपोज ये ले लिया -3, 4, ये कह रहा है भाई 1, 2, एक पॉइंट और एक पॉइंट ले लिया h, k, तीनों बोल रहा है कोलिनियर, ठीक है भाई आगे क्या बोल रहा है, ये लाइन ऑफ उसको उसने L1 बोला है, कह रहा है जो L2 है पॉइंट hk से पास हो रही है, और कह रहा है 4, 3 से पास, परपेंडिकुलर टू L1, ओके मतलब ये परपेंडिकुलर, मान लो एक पॉइंट और ले लिया मैंने 4, 3, और ये मेरी लाइन इक्वेशन L2 है, अब कह रहा है भाई k रेशियो h निकालो, तो भैया के रेशियो एच दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, कहानी खत्म, तो देखो फटाफट फिर क्या करें, एच ओके निकालना, तो पहला काम करें भाई कि अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, इसको सी बोल रहा हूँ, इसको डी बोल रहा हूँ, तो भाई स्लोप तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो भाई ये बोल सकता हूँ कि स्लोप ऑफ ई बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, कोलिनियर एक ही लाइन है भाई, टू पॉइंट फॉर्मूला इसमें भी लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, तो यहां पे हम लगा दें भाई स्लोप ऑफ ए बी, तो टू पॉइंट फॉर्मूला लगा दें, क्या हो जाएगा y2 - y1, तो 2 - 4, 1 - 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, इसके अंदर भाई तो k माइनस का 2 अपॉन में h माइनस का 1, तो यहां से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी भाई, क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगी दोस्तों मेरी 2 - 4, तो -1/2 इक्वल टू के माइनस का 2 अपॉन में एच माइनस का 1, लेट सपोज इक्वेशन 1 आ गई, और क्या कर सकते हैं, दो वेरिएबल इक्वेशन आई, इक्वेशन और चाहिए, तो भैया और उसने क्या बोला है, परपेंडिकुलर, तो लास्ट क्लास में बताया था जैसी वर्ड परपेंडिकुलर यूज हो लाइन के केस में, माइंड में सीधा खोपड़े में भैया सीधा घुसना चाहिए, क्या स्ट्राइक करना चाहिए, क्या कि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1, m1 m2 इक्वल टू -1, याद आ रहा होगा, ठीक है चलो फिर क्या कर, याद आ रहा तो लगाओ फटाफट आओ, तो m1 m2, तो देखो क्या करें भाई, स्लोप ऑफ लाइन दिस l2 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन l1 परपेंडिकुलर कर ले, तो ऐसा करते हैं स्लोप ऑफ ए बी अपने को पता ही है भाई है, तो क्या कर रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2 -1, स्लोप ऑफ L1 इंटू स्लोप ऑफ L2, अब स्लोप ऑफ L1 में मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ स्लोप ऑफ AB, तो ये मैंने सॉल्व कर रखा, तो यहां से ये क्या आ गया,
टू माइनस फोर अपॉन में वन प्लस थ्री इंटू स्लोप ऑफ एल टू, भाई दो पॉइंट गिवन है तो लगा दो यहाँ पे, क्या लगाना है वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो भैया लो थ्री माइनस का के वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू, फोर माइनस का एच इक्वल टू माइनस वन, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए अपने को यहां तक, ठीक है किसी भी तरह की, ओके ओके। तो भैया एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इक्वेशन टू इक्वेशन वन सॉल्व करो फटाफट, जल्दी लिखो आंसर चैट के अंदर, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर, अब सॉल्व कर लो भैया, कैलकुलेशन वाला काम तो करो थोड़ा सा, करो करो जल्दी सॉल्व करो फटाफट। चलो जल्दी 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 सॉल्व करो फटाफट, चलो चलो सॉल्व करो फटाफट फटाफट, रुको रुको, चलो जल्दी 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 जल्दी। चलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है लिखो फटाफट चैट के अंदर, ठीक है कौन सा मिल रहा है, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री मिल रहा है, चलो भाई वन बाई थ्री सॉल्व कर ही लोगे आई थिंक, मैं अब ज्यादा इसके अंदर टाइम खराब नहीं करना चाहता, ठीक है वन बाई थ्री, ठीक है चलो वन बाई थ्री के रेशियो एच सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, वन बाई थ्री, ठीक है चलो वन बाई थ्री, ठीक है सॉल्व कर लेना आप लोग। चलो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए आई होप आप लोगों का ये सेशन मजेदार हुआ होगा, आप लोगों को मजा आया होगा, और स्ट्रेट लाइन का कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं देगा मैं आशा करता हूँ। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये दोस्त वीडियो देख रहे हैं, जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, थैंक्स अ लॉट, ठीक है, लेकिन जो ये नहीं करते हैं ना, देखकर जो मुंह फेर के चले जाते हैं नाराज से होकर या ऐसे चलो छोड़ो ना बाद में कर लेंगे, मैं कहूँगा माता रानी देख रही है पाप लगाएगी, ठीक है चलो थैंक यू सो मच गाइज़।